तो शीट नंबर 50 में एक क्वेश्चन था कि अ टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 kg, एक खिलौना है, रॉकेट का खिलौना है जिसका मास 0.1 kg है, हैज़ अ स्मॉल फ्यूल ऑफ मास 0.02 kg, इसके अंदर ना कुछ फ्यूल है 0.02 kg, फ्यूल बर्न करेगा, रॉकेट भागेगा आगे, और कितनी देर में फ्यूल बर्न करेगा, 3 सेकेंड में फ्यूल बर्न करेगा, ठीक हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू इज इक्वल टू यू जीरो, हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक इट गेट्स अ स्पीड ऑफ 20, तो जैसे ही वो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 20, पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 20। वॉट इज अप्रॉक्सीमेट थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट इज अ फोर्स, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स। तो आपको रॉकेट पे फोर्स निकालनी है, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है व्हाट इज एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल, चलो बाद में निकाल लेंगे। और एंड में गिवन है इग्नोर स्मॉल वेरिएशन ऑफ रॉकेट ड्यूरिंग द फ्यूल बर्निंग। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की क्या है, रॉकेट का मास कितना है 0.1 kg, अंदर फ्यूल कितना है 0.02 kg, फ्यूल बर्न होता जाएगा, रॉकेट का इनिशियली टोटल मास 0.1 kg प्लस 0.02 kg था, जब फ्यूल बर्न होता जाएगा रॉकेट का मास कम 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 होता जाएगा और फाइनल रॉकेट का मास कितना हो जाएगा 0.1 kg, फ्यूल तो बर्न हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन वेरिएबल मास का क्वेश्चन हो गया। और नॉर्मली ऐसा हमने क्वेश्चन किए नहीं वेरिएबल मास की, हम अपना मास हमेशा क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए उसने एंड में बोल दिया कि आप प्लीज़ इग्नोर कर देना स्मॉल वेरिएशन ऑफ रॉकेट, कि रॉकेट का मास चेंज हो रहा है, इसको प्लीज़ निग्लेक्ट करें क्योंकि फ्यूल है ही बहुत थोड़ा, तो आप इसको कंसिडर ना करें प्लीज़। तो रॉकेट का मास अगर 0.1 kg है, आप अपना न्यूमेरिकल 0.1 kg से करें, फ्यूल के चक्कर में ना पड़े, ठीक है यहाँ तक? तो थ्रस्ट क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मास आपको रॉकेट का 0.1 kg पता है, आपको क्या निकालना है इसमें, एक्सेलरेशन। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, राइट? क्लियर है? तो आपको फाइनल वेलोसिटी रॉकेट की क्या गिवन है, 20, और इनिशियल क्या थी, 0, तो आप एक्सेलरेशन की जगह वी माइनस यू बाय टी, तो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0, और टाइम की वैल्यू कितनी, 3, सॉल्व करके क्या आएगा, 2/3 न्यूटन। तो ये फोर्स ऑन द रॉकेट आ गई। अब स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो क्या सोचता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि मास क्या पुट करूं, 0.1 kg पुट करूं कि रॉकेट का मास प्लस फ्यूल का मास पुट करूं, है ना कन्फ्यूजन? तो ऐसे केस में क्योंकि आपने एक्सेलरेशन कब निकाली, जब फाइनल वेलोसिटी कितनी ले ली आपने, 20, और जब फाइनल वेलोसिटी 20 है तो आपने अज्यूम कर लिया कि रॉकेट का फ्यूल पूरी तरह क्या हो चुका है, बर्न, तो आपने मास 0.1 kg ही लेना है। तो पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना है, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल। एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास का मतलब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा फ्यूल और कितने डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितना रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv², वी आपको 20 पता है, मास आपको रॉकेट का 0.1 पता है, तो इतनी एनर्जी फ्यूल बर्न रिलीज करेगा 20 जूल, और कब, जब कितना मास उसका फ्यूल का बर्न होगा 0.02 kg, तो जूल कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितना मास यूज हुआ, इनको डिवाइड करके क्या आएगा आपके पास, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास। क्लियर है यहाँ तक? एक तो ये प्रॉब्लम थी, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम लिख सकते हैं फॉर एनसीईआरटी, इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करें, इसका आंसर निकालें प्लीज। तो इसके अंदर क्या गिवन है, बुलेट वेइंग 10 ग्राम, तो 10 ग्राम की बुलेट है, 10/1000 kg इसका मास है, इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 meters per second आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल 1 meter थिक, तो ये 1 meter थिक वॉल है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100, तो जब ये बाहर निकलेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 100, एंटर किया था 800 से, बाहर आता है 100 से, और 1 meter लंबी इसकी ये वॉल है, फाइंड एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल, भाई अंदर क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी, वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है ये निकालो, तो क्या लगाएंगे, कोई बताएगा मुझे, क्या इक्वेशन क्या बनेगी, एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं होगी इसमें, क्योंकि एनर्जी तो वेस्ट हो रही है इसमें फ्रिक्शन की वजह से,
एनर्जी तो कंजर्व का मतलब है टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर जो मुझे लग रहा है काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा है फिर काइनेटिक एनर्जी कम है, तो कंजर्व कहाँ है? कुछ और बोलो, बोल समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहे हो, इक्वेशन बोल दो। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फिर काइनेटिक एनर्जी कम है क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई कम। ऐसा क्यों हुआ? अंदर क्या प्रेजेंट थी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने क्या किया? वर्क डन, रेजिस्टेंस ऑफर की, तो वर्क डन किया, तो फ्रिक्शन का वर्क डन जो भी हुआ वो नेगेटिव वर्क डन है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब वो स्लो डाउन करेगी स्पीड को। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है? हाफ इंटू एम इंटू 100 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 800 का स्क्वायर, तो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? ऐसी क्वेश्चन में पहले भी की थी, प्लैंक्स वाले क्वेश्चन किए थे हमने, तो प्लीज इसे सॉल्व करना, मास को पुट करो, एफ निकालो, आंसर वेरीफाई करो। मेथड समझ में आ रहा है? कितनों का आंसर आया? आ गया, समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो प्लैंक का जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें कॉन्सेप्ट ही लगेगा, और प्लैंक के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को करें प्लीज, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएं और आंसर निकालें। निकालना आंसर, ट्राई करना। देखो, शॉट ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ किया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, तो एक शॉट 100 मीटर पर सेकेंड से आता है, जस्ट एबल टू पियर्स अ प्लैंक 4 सेंटीमीटर तक। जस्ट एबल का मतलब कि बस यहाँ पर आके रुक जाता है, और कितने सेंटीमीटर पे? 4 सेंटीमीटर पे। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? पहला केस। अब अगर व्हाट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड, बोलो कितनी वेलोसिटी से ये एंटर करे ताकि ये 9 सेंटीमीटर थिक प्लैंक में एंटर करके रुक जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक 9 सेंटीमीटर पे रोकना है, तो इक्वेशन क्या लगेगी फिर से? देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो केस नंबर 1 में फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। इनिशियल क्या है? हाफ इंटू एम इंटू 100 का स्क्वायर इज माइनस एफ इंटू 4 × 10 की पावर माइनस 2। क्या स्टेप क्लियर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस में फाइनल एनर्जी क्या है? 0। हाफ इंटू
एम वी स्क्वायर, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू 9×10 रेज टू पावर माइनस 2. क्या स्टेप क्लियर है? डिवाइड करो, एम से एम कैंसिल करो, माइनस एफ कैंसिल करो, आंसर निकालो. मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? कॉन्सेप्ट वही है, प्लैंक में एंटर करना, वुडन ब्लॉक में एंटर करना, एक ही कॉन्सेप्ट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक. पॉइंट क्लियर है? कर लोगे सॉल्व? ठीक है, डन. ठीक है, ये रहने दो क्वेश्चन, ये रहने देते हैं, बाकी हमने कर लिए थे. ठीक है.